हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ट्रक स्पार्क में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मेरे साथ है इंट्रा पिकअप V50 है और इसका अपन आज डिटेल वीडियो नहीं करने वाले, इसका आज ना ओनरशिप रिव्यू है वो आप करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे जो प्रकाश जी सुतार हैं वो इस गाड़ी को लेके चला रहे हैं काफ़ी टाइम से। और अभी देखेंगे दोस्तों कितनी गाड़ी चली हुई है, कितना माइलेज एक्चुअल में देती है और वो सारी चीज़ें आप इसमें जानेंगे। और उनकी सारी चीज़ें बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं प्रकाश जी सुथार, तो बात करते हैं इनसे। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है सर? प्रकाश चंद्र सुथार। प्रकाश चंद्र सुथार, तो दोस्तों सर आप ये जो टाटा की इंट्रा पिकअप है ये आपको कैसी लगती है पहले ये बताइए। अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, तो और इस गाड़ी को जो आपका एक आपकी इंट्रा पिकअप आती है और दूसरा आपको महिंद्रा की जो पिकअप्स वगैरह आती है, उसमें और इसमें आपको कितना अंतर आपको लगता है कि कैसे कौन सी गाड़ी सही है? गाड़ी ये सही है ना, उसमें तो कुछ नहीं है, वो वजन पड़ता है तो पीछे पड़ता है, दोनों टायरों पड़ता है, टायर ही फूट जाता है, 4 टन पड़ता है, इसमें 5.5 टन लोड पड़ता हूँ मैं। अच्छा, मतलब और गाड़ी वोल्वो जैसी है, वोल्वो जैसी चलती है गाड़ी है, ठीक है, वोल्वो चला रहे हैं ऐसे। अच्छा अच्छा, तो अभी इस मतलब 4.5 टन आप इसमें डालते हैं? 4.5 टन तो आराम से, कोई टक्कर अभी मैं 4.5 टन लगे पहले जाके आया हूँ अभी। इसमें जो कबाड़ी वगैरह है वो आपकी कंपनी फिटेड है या बाहर से फिटेड? बाहर से नहीं डलवाई, कंपनी है वही है, 5.5 टन भी भरा उसमें। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये अभी आप 4.5 टन में गाड़ी चलाते हो तो माइलेज कैसा, मतलब 14 दे देती है, मतलब 13-14 के आसपास माइलेज आने वाला माइलेज आ जाता है। और साथ में ये जो गाड़ी जो मतलब कंफर्ट वाइज देखें तो कैसी है, स्टेयरिंग वगैरह है? अच्छा, एकदम अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा। मैं 2004 से टाटा का छोटा हाथी चला रहा हूँ, ठीक है, वो बेच के दूसरा लिया और वापिस ये तीसरी बार नया लिया है। इन फ्यूचर अभी कोई गाड़ी लेने प्लान करोगे तो आपके पास तो दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो टाटा की इंट्रा सीरीज है जो कि V50 के साथ आती है, और आज टाटा महिंद्रा ने अपना एक वीरो लॉन्च किया है, तो आप उसमें से दोनों में से कौन सा ऑप्शन रखोगे आप? अभी तो वो लॉन्च हुआ है, उसका तो अभी मार्केट में आएगा तो मालूम पड़ेगा कैसा गाड़ी है। अभी तो इसको मैंने 2.5 साल हो गया चला रहा हूँ, मेरे को मालूम है गाड़ी कैसा है, अच्छा है, इसलिए अच्छा ही बोलूंगा। अच्छा, तो वंद महिंद्रा का जो वीरो अभी आपने बताया, हम कह नहीं सकते ना, चलाया ही नहीं, देखा ही नहीं, कैसा कैसा है क्या है, तो अभी नया है, सक्सेस हो नहीं हो क्या मालूम, कंपनी का है, अभी नया लॉन्च हुआ है ना। तो फीचर्स आपने अभी देखा तो वो कैसे है उसमें? फीचर्स तो ज्यादा अच्छे है, फीचर तो अच्छे है उसमें, एसी है, एयरबैग है, सब कुछ है, एलईडी भी है, क्योंकि एयरबैग आपने कभी किसी अपनी गाड़ी में किसी में देखा नहीं है, अपने एयरबैग कमर्शियल गाड़ी में कभी नहीं देखा, तो पिकअप वाली पहली बार आया, वीरो के अंदर आप पहली गाड़ी होगी जिसके अंदर आपका एयरबैग आएगा। ये गाड़ी अब तक कितनी चल चुकी है सर आपकी? ये चल चुकी है ना लगभग 25,000 चल चुकी है। कोई ऐसी चीज बताओ जो सर आपको इस गाड़ी के अंदर कुछ टाटा मोटर्स को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि आप लोग इसको और अच्छे से चला सको, ऐसा क्या चीज करेगी टाटा मोटर्स आप लोगों को, मतलब आपकी रिक्वेस्ट हो कि एक एसी दे दे। एसी तो खैर आ ही रहा है इसमें, दूसरी वो आई गाड़ी में आ रहा है उसमें एसी, इंट्रा वीट 30 के अंदर आपका एसी आ रहा है, खाली वो एलईडी नहीं दिया है उसका। अच्छा, एलईडी नहीं और एयरबैग नहीं दिया इसमें, बाकी अच्छा है, बाकी मतलब वीरो की तरह इसमें आपको एलईडी नहीं है और एयरबैग नहीं है, बाकी सब चीज सही है। और कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये चीज सही नहीं है इसके अंदर, कुछ कोई भी चीज ऐसा आपको लगता हो? ये ऐसा सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मतलब आपकी तरफ से टाटा मोटर्स के लिए कोई कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा कोई अगर आपसे कोई कस्टमर कोई गाड़ी खरीदता है तो आप उसको, अगर आपसे कोई इन फ्यूचर आपसे कोई कस्टमर या फिर आपका यार दोस्त पूछता है कि गाड़ी कौन सी लेनी है तो आप टाटा ही रिकमेंड करोगे या फिर दूसरी कंपनी की गाड़ी रिकमेंड? अभी वो देखूंगा गाड़ी चलाऊंगा उसमें तो फिर मालूम पड़ेगा, बाकी तो पहले कैसे कह सकता हूँ। नहीं नहीं अभी बता, अभी तो मैं चला रहा हूँ, ये अच्छी है मेरे। हाँ हाँ, अच्छा, बाकी वो चलाऊंगा अच्छी दिखेगा तो वो भी अच्छी होगी गाड़ी, तो कंपनी निकाला है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू।